एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज ये ट्यूसडे, तो मैं मॉर्निंग से ही मैं अपना ब्लॉग को स्टार्ट कर रही हूँ। और ऐसे तो मैं आप लोग को बोली थी कि मैं अर्ली मॉर्निंग का रूटीन मैं आप लोग के साथ एक दिन शेयर करूँगी, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो रहा है। आजकल करूँगी ऐसे ही करके, आजकल के चक्कर में नहीं हो पा रहा है सही में। और ये फेस थोड़ा पिंक दिख रहा है ना, तो पर्दा की वजह से उसको मैं थोड़ा सा हटा देती हूँ। चलो अब ठीक है ना। तो बस बाहर कड़ी धूप है, बाप रे बाप, बहुत ज़्यादा धूप है। अभी तो अप्रैल का महीना है, अभी मई जून तो बाकी है। मतलब एक्चुअल गर्मी मई जून में होता है ना, तो अप्रैल से ही इतना कड़ी धूप, तो मई जून में क्या होगा। और आज अप्रैल का 2 तारीख है और 8 तारीख को मेरा मैरिज एनिवर्सरी है। इनको ना मैं कल रात में बोल रही थी कि आप मैरिज एनिवर्सरी में क्या मुझे क्या गिफ्ट दे रहे हैं, तो इन्होंने बोले कि गोल्ड का कुछ देते हैं, रिंग या तो फिर इयर रिंग्स। तो एनी टाइम गोल्ड, गोल्ड मुझे ना गोल्ड उतना मतलब पसंद है, लेकिन अभी नहीं लेना चाहती हूँ। और उतना गोल्ड में लेके करूँगी क्या, एक्चुअली मैं गोल्ड इतना नहीं पहनती हूँ ना, सब आर्टिफिशियल पहनती हूँ, तो गोल्ड लेके कुछ फ़ायदा नहीं है। तो इसीलिए मैंने मना कर दी कि नहीं, मुझे गोल्ड का कुछ नहीं चाहिए। ऐसे तो कुछ दिन पहले बोले थे कि तुमको शॉपिंग कराने ले जाएंगे, तुमको जो अपने मन से जो जो खरीदना होगा तुम खरीद लेना। तो ऐसे तो हम लोग संडे में गए थे, सर्विसिंग के लिए गए थे। और संडे को जाके फ़ायदा क्या है, संडे को तो सब दुकान बंद रहता है ऐसे कुर्ती वगैरह का, तो इसीलिए संडे में हम कुछ शॉपिंग नहीं कर पाए। और सैटरडे जाने के लिए हम बोल रहे हैं शाम में। तो इस सैटरडे क्या हुआ था, नहीं गए थे इस सैटरडे क्या हुआ था जो नहीं गए थे। ओ अच्छा, मेरा ही तबीयत थोड़ा बिगड़ गया था। ऐसे तो ये बोले ही इनका दोस्त नहीं दूंगी कि चलो, लेकिन मेरा अचानक से सर पूरा भारी हो गया था, तो इसीलिए मैं इनको मना कर दी कि नहीं चलेंगे। और संडे बहुत ज़्यादा बारिश आ गया था, तूफान बारिश। लेकिन कुर्ती वगैरह खरीदना या तो फिर साड़ी वगैरह खरीदना ये सब के लिए वो सैटरडे या तो फिर किसी और दिन चले जाओ वो तो अच्छा रहता है, क्योंकि संडे को बंद रहता है सब दुकान ना, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। तो और एक सैटरडे बाकी है, देखते हैं लेके जाते हैं कि नहीं, पक्का से ले जाएंगे हमको। और जो कि है, मैं नाश्ता नहीं की आज, क्योंकि कल बहुत रात हो चुका था सोने में, एडिटिंग का कुछ काम था बोल के। तो सुबह सुबह मैं उठी, नाश्ता बनाई, बाबू को नाश्ता पैक कर दी और एक खा के चले गए, फिर मैं सो गई थी। तो फिर सो के उठी और अभी फ्रेश होके मैं सोची आप लोगों से पहले बात कर लेते हैं, फिर नाश्ता बनाएंगे और खाएंगे। ऐसे तो हम लोग अभी साथ में नाश्ता करते हैं, क्योंकि 6:30 बजे तो क्योंकि 6:30 बजे तो आर उसका नाश्ता तैयार हो जाता है और ये 7:30 बजे जाते हैं, तो उस चक्कर में मेरा थोड़ा काम जल्दी जल्दी हो जाता है, तो साथ में ही नाश्ता कर लेते हैं। लेकिन आज नहीं हो पाया, थोड़ा सा नींद आ गया था मुझे, तो मैं सो गई थी। फिर ये ऑफिस जाते टाइम हमको बोले हम ऑफिस जा रहे हैं, फिर मैं बोली और सो के कुछ फ़ायदा नहीं है, थोड़ा थोड़ा मतलब जल्दी जल्दी से काम निपटा लेते हैं, तो इसीलिए मैं ब्लॉग को स्टार्ट कर दी। तो चलिए अभी किचन में जाते हैं और नाश्ता कर लेते हैं, और नाश्ता करते करते आप लोग से थोड़ी बहुत बात करेंगे। तो चलिए, और बाहर चिड़िया चाचे कर रहा है, सुनाई दे रहा है ना आप लोग को। तो चलिए ट्राईपॉड में सेट कर देती हूँ। जो कि है, मैं अपने लिए आलू पराठा बना ली हूँ। क्यों? क्योंकि कल रात में मैंने आलू चोखा बनाई थी तो वो थोड़ा सा बच गया था, तो उसमें ही मैं थोड़ा सा नींबू और हरी मिर्च डाल के अपने लिए आलू का पराठा बना रही हूँ। एक ही बनेगा हमको लग रहा है, तो एक ही बनेगा, एक प्लेन पराठा बना लेंगे और हम नाश्ता कर लेंगे, और हम चाय के साथ ही नाश्ता करेंगे, क्योंकि हमको चाय के साथ ही आलू का पराठा मतलब खाना अच्छा लगता है, तो इसीलिए हम चाय भी बिठा दिए इधर, इसलिए मैंने चाय भी इधर बिठा दिए और पराठा हम इधर सेक लेंगे, तो फिर हम नाश्ता कर लेंगे। और लेट लेट हो चुका है क्या अभी? एक्चुअली इनको मैं इनके लिए नाश्ता में निकाल कर रख दिया, आज तो चला जाता है 6:30 बजे, फिर ये तो 7:30 बजे जाते हैं, तो मेरे 6:30 बजे मतलब पूरा कंप्लीट हो गया नाश्ता, तो मैं निकाल के इनको डाइनिंग में रख दी थी, मैं बोली आप खा लेना, मैं फिर से सो गई थी। रात में नींद अगर पूरा नहीं होता है ना, तो मतलब सुबह में भी इतना जल्दी उठने का मन नहीं करता है और सुबह में भी बहुत ज़्यादा नींद आ जाता है, तो इसीलिए मैं सो गई थी। इनको मैं बोली आप खा लीजिएगा, तो ये खा लिए थे, हमको नहीं जगाए थे। अभी शायद टाइम हो रहा है 8:30 हो जाएगा शायद,
8 तो पक्का से हो जाएगा, क्योंकि 7:30 बजे गए, फिर मैं फ्रेश वगैरह होने में मुझे थोड़ा आधा घंटा टाइम लगा, तो 8:30 हो चुका है हमको लग रहा है। अगर फिर नाश्ता कर लेंगे, फिर हम ये करेंगे, लंच भी बना लेंगे जल्दी जल्दी सब। और यहाँ पे मैंने चॉप कर लिया है प्याज को मछली के लिए, मछली बनाएंगे बोल के मैंने प्याज को चॉप कर लिया है चॉपर से, और अदरक लहसुन और 2 हरी मिर्च डाल के इसका पेस्ट बना लिया है मिक्सी में, और कढ़ाई में तेल गर्म हो गया है, चॉप किया हुआ प्याज डाल देंगे, चॉप किया हुआ प्याज डाल देंगे, थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा तो अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, धनिया पाउडर जीरा पाउडर से डाल देंगे। और आज मैंने आलू परवल का सब्ज़ी और मछली जो बनाई वो मैं आप लोग के साथ शेयर नहीं करी, क्योंकि इससे पहले मैं बहुत बार इसको शेयर कर चुकी हूँ आप लोग के साथ, तो इसीलिए मैं सोची आज शेयर नहीं करती हूँ, बस ऐसे ही दिखा देती हूँ। तो बस कुछ नहीं करना होता है, परवल और आलू को अच्छे से भून लेना होता है, उसको हम फ्राई कर लिए हैं अच्छे से, और फिर इसको मसाला प्याज और बेसिक मसाला जो होता है हल्दी नमक अदरक लहसुन का पेस्ट वही डाल के इसको अच्छे से फ्राई कर लिए हैं, फिर परवल को डाल दिए हैं, फिर और मसालों के साथ अच्छे से मिला लेंगे और इसमें पानी डाल देंगे। और इस साइड में हम मछली भी बना रहे हैं, तो मछली भी सेम तरह से हम बना रहे हैं, और बहुत ही जल्दी जल्दी हम बना रहे हैं क्योंकि टाइम भी बहुत हो चुका है, क्योंकि आरू उसको खिलाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, और ये अभी तक नहीं आए हैं, उस टाइम के बीच में ही हम आरू उसको खिला दिए, उसको नहला धुला के खिला देने से थोड़ा सा मतलब राहत मिलता है, फिर कभी भी वो सो जाता है, क्योंकि अभी स्कूल का टाइमिंग थोड़ा चेंज हो गया, मतलब 6:30 बजे हो गया ना, तो उसको सुबह सुबह उठना पड़ता है, तो उस चक्कर में वो सो जाता है, तो उसको अगर नहीं खिलाऊंगी ना तो वो सो जाएगा, तो इसीलिए मैं सोची कि उसको पहले खिला देती हूँ, फिर बाकी का कब मैं धीरे धीरे निपटा लूँगी, तो बस इसीलिए मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ, थोड़ा मेरा लेट हो गया है आज। और ये आरुष के लिए मैं खिचड़ी बनाई हूँ, और बहुत सिंपल से खिचड़ी बनाई हूँ, चावल और दाल देके बनाई हूँ, और कुछ सब्जी नहीं डाली हूँ और आलू डाली हूँ, क्योंकि आरुष को खिचड़ी पसंद नहीं है, तो इस चक्कर में मैं कोई सब्जी नहीं डालती हूँ, कभी कभार डाल देती हूँ तो बेला
समोसा के खिला देती हूँ, लेकिन ज्यादातर मैं सब्जी नहीं डालती हूँ, फिर नहीं खाता है बोल के, तो इसलिए सिंपल खिचड़ी बनाई हूँ मैं। और इसको हम कटोरे में रख देते हैं, अभी हम इसको खिला देंगे। और आज हम लंच में और परवल आलू भी हो चुका है, और परवल आलू जो है ना इसका हम ग्रेवी नहीं रखेंगे ज्यादा, थोड़ा सूखा जैसे बनाएंगे, क्योंकि मछली है ना, मछली बनाई है तो। और ये रेडी हो गया है बनके, तो इसमें थोड़ा सा हम गरम मसाला दे रहे हैं, थोड़ा सा हम गरम मसाला डालते हैं, ज्यादा गरम मसाला नहीं डालते हैं, और ये हम घर में ही बनाएंगे गरम मसाला, बस ढक देंगे, हो गया है। और लंच में मैं बनाई हूँ आज, हाँ बंद कर दिया गया सर, लंच में बनाई हूँ आज ये साग बनाई हूँ, मुझे नहीं पता है इसका नाम, बैगन देके बनाई हूँ साग, और परवल आलू और मछली देख लेते हैं हुआ कि नहीं है, और थोड़ा सा होगा तो इसको होने देते हैं। तो मेरा लंच बनके कंप्लीट हो चुका है, और उसको अभी हम खिला देंगे, फिर उसको नहला देंगे। तो अभी मैं सो लूंगी, एक अच्छा सा मेरा एक नींद पूरा कर लूंगी। यहाँ पे ना आप लोग देख सकते हैं मेरा डार्क सर्कल आ गया है, इसलिए मतलब 3-4 दिन से मैं रात में थोड़ा जग जग के एडिटिंग का काम कर रही हूँ, नहीं तो पॉसिबल नहीं हो रहा है एक दिन छोड़ छोड़ के ब्लॉग देना। तो पहले तो मैं इतना ब्लॉग नहीं डालती थी, एक दिन छोड़ छोड़ के ऐसे हफ्ते में 1-2 ऐसे ही डालती थी, लेकिन अब मुझे बहुत मज़ा आ रहा है ब्लॉग बनाने में, ब्लॉग डालने में। दिन में ब्लॉग तो बना लेती हूँ, फिर एडिटिंग का जो काम है वो रात में करती हूँ। ऐसे मैं सोचती हूँ कि नहीं दिन में ही उसको पूरा कम्प्लीट कर लेंगे, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, फिर रात हो ही जाता है। देखिए आईब्रो भी मेरा कितना निकल के आए हैं, तो अभी नहीं करूँगी, अभी अगर करूँगी तो फिर से निकल जाएगा, 8 तारीख के पहले ही करूँगी। तो चलिए मैं थोड़ा रेस्ट ले लेती हूँ, फिर आप लोग से शाम में मिलती हूँ। तो शाम के टाइम में किचन में आ गई हूँ, और अभी बज रहा है 6:30, और देखिए मैं जूस बना रही हूँ। अभी गर्मियों के दिन में मतलब चाय पीने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है, जूस वगैरह या तो फिर लस्सी शरबत यही सब कुछ पीने का मन करता है, और इतना गर्मियों में ठंडा चीज़ पीना भी चाहिए, जैसे कि फल का जूस ऐसे ही पीना चाहिए। मैं भी पीती हूँ और उसको भी पिलाती हूँ, तो वो मैं बना रही हूँ। और ये जो जूसर है ना, ये बहुत ही बढ़िया है, मतलब एक एक दाना का जूस इससे निकल जाता है। और मैं घी बना रही हूँ, क्योंकि बहुत दिन से मेरा पड़ा हुआ है ये मतलब मक्खन, तो मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा है कि आज बनाऊँ कल बनाऊँ, ऐसे ही कर करके फ्रीजर में पड़ा हुआ था, तो इसको मैं दोपहर में निकल के रख दी थी। और देखिए कितना सारा मक्खन इकट्ठा हुआ है, मैं बोली ना बहुत दिन से, 10-12 दिन का तो मक्खन हो ही जाएगा, तो ये फ्रीजर में था तो मैं दोपहर में निकल के रखी, और इसको ग्राइंडर में हम अच्छे से इसका मक्खन निकाल लिए, और अभी हम घी बनाएंगे। तो घी का रेसिपी मैं बहुत बार शेयर की हूँ आप लोग के साथ, बहुत बार नहीं 2 बार तो पक्का मैं शेयर की हूँ, तो आप लोग अगर इंटरेस्टेड है तो देखने के लिए आप लोग ज़रूर चेक कर लीजिएगा मेरा वीडियो। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो फिर मिलती हूँ मेरा कोई नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर। मतलब अभी इवनिंग का टाइम है, लेकिन फिर भी मैं गुड नाइट बोल दी, क्योंकि फिर आप लोग से नहीं मिल पाऊँगी। और अभी मैं एक वीडियो शूट करने जा रही हूँ, झटपट बनने वाला बच्चों का पसंदीदा टिफ़िन आइडिया, तो वो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को ये मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, गुड बाय।